हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू राग। तो आज हम जिस राग के बारे में बात करेंगे वो है राग केदार। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस राग का थाट। तो इस राग का थाट है कल्याण, यानी राग केदार जो है वो कल्याण थाट से जन्मा हुआ राग है। इसके बाद हम बात करेंगे वादी, यानी द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वर ऑफ द राग, जो कि इस राग में है माँ। इसके बाद हम जानेंगे संवादी, यानी द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वर ऑफ द राग, जो कि इस राग में है सा। इसके बाद हम बात करेंगे विकृत स्वरों की। तो इस राग में विकृत स्वर है मा, यानी इस राग में मा तीव्र का प्रयोग किया जाता है, परंतु उसके साथ साथ शुद्ध मा का भी प्रयोग किया जाता है। इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे इस राग के वर्जित स्वर। तो इस राग के आरोह में रे और ग स्वर वर्जित है और अवरोह में केवल ग स्वर वर्जित है। इसके बाद हम जानेंगे इस राग की जाति। तो इस राग की जाति है औडव शाडव, यानी कि इस राग के आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे इस राग का गायन समय। तो इस राग का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। इसके बाद हम बात करेंगे इस राग के आरोह की। तो इस राग का आरोह कुछ इस तरीके से है, सा मा मा पा धा पा नी धा सा। इसके बाद हम जानेंगे इस राग का अवरोह। तो इस राग का अवरोह कुछ इस तरीके से है, सा नी धा पा मा पा धा पा मा रे सा। इसके बाद हम जानेंगे इस राग की पकड़ के बारे में। तो इस राग की पकड़ कुछ इस तरीके से है, सा मा मा पा मा पा धा पा मा रे सा। होप आप सभी को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।